हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय ट्यूशन। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक्स वीडियो मेकर सेल्फ यूनिक। दोस्तों ये वीडियो फ्रेशर्स के लिए है, तो जो भी फ्रेशर हैं वो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर जो इंटरेस्टेड है कि सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन सी प्रोफाइल्स होती है तो वो भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। पहले बता दिया जिससे कि आपका टाइम सही तरीके से यूटिलाइज हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो फ्रेशर्स के मन में एक डाउट रहता है। मैंने एक फ्रेशर से बात किया, उसके बेस पे मैंने सोचा कि चलो उनको क्लियर कर देते हैं वीडियो के माध्यम से। उनको डाउट रहता है कि हम किस प्रोफाइल में जाएं। तो अब सिविल इंजीनियरिंग इतना ब्रॉड है कि आप प्रोफाइल अगर गिनने होंगे तो बहुत ढेर सारी प्रोफाइल्स हैं जिनमें आप जा सकते हो। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ एरिया ऑफ इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हो कि यार क्या है प्रोफाइल है। तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए बताते हैं कौन कौन सी प्रोफाइल्स होती हैं सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में, जिसमें से ऑफिस पे कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन सी साइड वेज हो सकती हैं। तो गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जिनको आप ऑटो कैड स्टैट प्रो में प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें फ्री और पेड दोनों कंटेंट है, जो आपको पसंद आए वो आप उसको लेके यूज कर सकते हैं। सो पहले आप लोग ऐप डाउनलोड करिए। चलिए थैंक यू, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसे ही जॉब की बात करता हूँ कि कौन कौन सी प्रोफाइल आएंगी, तो सबके माइंड में आता है कोई अच्छी सी प्रोफाइल बताओ सर, जिसमें प्रॉपर फोकस करूं तो हमारा काम आगे और अच्छा हो जाए। तो देखो यार, अच्छी सी मैं क्या बताऊंगा, आपका इंटरेस्ट बताएगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उसके अकॉर्डिंग इस वीडियो में बता रहा हूं। सबसे अच्छी जो प्रोफाइल होती है वो स्ट्रक्चर इंजीनियर की, और सेकेंड नंबर पर अगर कोई प्रोफाइल होती है तो बीम इंजीनियर की होती है। थर्ड नंबर पर आपको अगर कोई और होता है तो एस्टिमेशन इंजीनियर की प्रोफाइल मुझे लगती है, ठीक है, एज पर माई एक्सपीरियंस और एस्टिमेशन इंजीनियर की प्रोफाइल लगती है। और फोर्थ नंबर पे अगर कोई लगती तो नहीं बट साइट इंजीनियर की प्रोफाइल है, ठीक है। ये चार प्रोफाइल है जिन प्रोफाइल्स पे मैंने काम किए हैं। सबसे ज्यादा मैंने स्ट्रक्चर पे किया है, उसके बाद मैंने बीम पे किया है। अब मुझे स्ट्रक्चर क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो एक प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल में किक बहुत मिलती है, मतलब कुछ बड़ा करने का काम होता है। कैसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है स्टेडियम का स्ट्रक्चर हो सकता है वो रिटेनिंग वॉल हो कोई बड़ी सी, हो सकता है वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हो, हर एक स्ट्रक्चर के जो भी स्ट्रक्चर होगा उसमें किक बहुत मिलती है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है स्ट्रक्चर की प्रोफाइल। तो सबसे बेहतरीन प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो वो स्ट्रक्चर की होगी। चाहे फिर इनकम के वे में सोचो तो भी सबसे अच्छा रहता है, और चाहे फिर आप इंटरेस्ट, मतलब जो मेरा इंटरेस्ट है उसके हिसाब से अगर मैं सोचूं तो भी स्ट्रक्चर सबसे बेटर है। अब कुछ लोगों को बहुत अच्छी आदत होती है चीज़ों को अरेंज करने की, कुछ ऐसा रखना है, कुछ ऐसा करना है, और मतलब ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, इसमें ये फैसिलिटीज दिखनी चाहिए, ऐसा कुछ अगर आपके माइंड में चलता है, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बीम इंजीनियरिंग की प्रोफाइल में जाओ, आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर वाले अगर चेक करने हैं उनको तो मैथमेटिक्स टर्म्स को समझ सकते हैं, अगर दे इफ दे लाइक लोड्स, ओके इस लोड से क्या SFD, क्या BMD, कितना मैकेनिज्म, ये सब अगर आपको अच्छा लगता है तो स्ट्रक्चर के लिए बेस्ट है। अगर आपको अरेंजमेंट अच्छे लगते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो उसके लिए आप यहाँ पर जा सकते हो बीम की इंजीनियरिंग प्रोफाइल में। अब बीम में भी ना बहुत ढेर सारे पार्ट्स हैं, तो अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट करना कि सिर्फ बीम में कौन कौन सी जॉब है, तो बीम का मैं बता दूंगा। स्ट्रक्चर में भी पार्ट्स हैं, ठीक है, डिटेलर है, ड्राफ्टिंग है, एनालिसिस का मतलब जो डिजाइन का मेन इंजीनियर है, वैसे ही बीम में 3D मॉड्यूलर है, और 3D मॉड्यूलर के बाद आपका बीम 3D डिटेलर है, और 3D डिटेलर के बाद आपका है जो कि 4D एनिमेटर है, ठीक है। तो इसमें बहुत ढेर सारी बीम में प्रोफाइल्स हैं। तो अगर आपको बीम की प्रोफाइल या फिर स्ट्रक्चर प्रोफाइल में डीप वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करो। अब चलते हैं तीसरे प्रोफाइल पे, जो कि एस्टिमेशन का इंजीनियर है, ठीक है। एस्टिमेट इंजीनियर में भी कई ढेर सारी प्रोफाइल्स हैं, बट एस्टिमेट इंजीनियर्स के लिए आप मतलब अच्छी प्रोफाइल है, जिसमें मैक्सिमम काम इंडिया में एक्सेल पर होता है। कुछ लोग आपका एक क्वांटिटी टेक ऑफ करके ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर होता है उस पर काम करते हैं, तो बेहतरीन है, मतलब अच्छी लगती है प्रोफाइल भी मुझे। और लास्ट है साइट इंजीनियर्स, ठीक है। अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो लास्ट ऑप्शन है साइट इंजीनियर्स, तो उस पर भी आप जा सकते हो। तो दीज आर दिस फोर प्रोफाइल्स जिसमें आपका अच्छा ग्रोन अप हो सकता है, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको सबसे पहला फोकस स्ट्रक्चर पे करना चाहिए। नहीं मन लगता है तो बीम में करो, और बीम में भी मन नहीं लगता है तो एस्टिमेशन में करो, एस्टिमेशन में भी नहीं लगता तो एक ऑप्शन है। अब साइट में भी कई ढेर सारे ऑप्शन, ऐसा नहीं कि साइट में केवल साइट इंजीनियर है, प्रोजेक्ट इंजीनियर है, उसके अंदर सीनियर इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर है,
ठीक है, एक क्वालिटी एनालिसिस का जो इंजीनियर है वो इंजीनियर है, तो आपका इसमें कई ढेर सारे साइड पर भी है। एस्टिमेशन में मैंने आपको बता दिया कि एस्टिमेशन में एस्टिमेट इंजीनियर है उसमें, और अब एक सर्वे का भी प्रोफाइल है, सर्वे का प्रोफाइल भी साइट में ही ले सकते हो कि साइट में वो सर्वे का प्रोफाइल है। अब बात करते हैं इधर जो बीम का है, तो बीम में तो बहुत ढेर सारी प्रोफाइल्स है, तो बीम में आपका 3D मॉडलर जैसे मैंने बता दिया, डिटेलर का बता दिया, इन सब प्रोफाइल्स पे आप जा सकते हो और स्ट्रक्चर बता दें। तो दीज आर दीज 4 प्रोफाइल्स अगर सही तरीके से देखा जाए। अब इन चारों प्रोफाइल में चूज करो कि विच वन यू लाइक मोस्ट, आपको क्या लगता है। तो मैंने इसीलिए ऑल इन वन बनाया, मैंने कहा भाई सब कुछ चख लो, मतलब सब कुछ खा लो, उसके बाद जो आपको लगे कि नहीं नहीं ये बेहतरीन है आप उसमें कंटिन्यू करो। तो मैंने उसी के बेस पर ऑल इन वन बनाया था, और मैंने आपको पहले ही बताया कि उसका एम ही यही था कि ट्राई टू चेक एवरीथिंग इफ यू लाइक विच आइसक्रीम। मुझे वेनिला आइसक्रीम बहुत पसंद है, ठीक है, मैं जब जाता हूँ तो पहले मैं जाता था तो पहले क्या करता हूँ, वो स्टिक्स में देखा होगा आप लोग ने, वो चेक करने के लिए देते हैं कि आइसक्रीम खा के देखो, ये आइसक्रीम खा के देखो, मैंने सारे खाए बट मुझे वेनिला ही अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। तो वेनिला मैं खाता हूँ, जिसको जो पसंद है वो खाता है। तो उसी हिसाब से ऑल इन वन में मैंने सजेस्ट किया कि आप सब चेक करो, विच वन यू लाइक, उसमें कैरियर बनाओ, फंसना नहीं है, कैरियर लॉन्ग टर्म की चीज़ है। अभी आप फाउंडेशन डाल रहे हो, एक बार आपने गलत फाउंडेशन डाल दिया, बिलीव करो बहुत लफड़ा होता है, ठीक है। अगर आपने डाल दिया आइसोलेटेड फुटिंग, बाद में पता चला कि यार वहाँ पाइलिंग करनी है, हो गया, ठीक है, बवाल, ठीक है। अगर आपने पाइलिंग कर रखी है, मैट करना है, वो भी मुसीबत, तो बेटर है कि एक बार आप चखो सब कुछ, उसके बाद जज करो, और जज करने के बाद उस प्रोफाइल में अपना फाउंडेशन इतना स्ट्रांग करो कि मतलब आप हिलाते रहो, अर्थवेग आ रहा है, 9 रिक्टर का अर्थवेग आ जाए हिलने वाले में, मतलब रिसेशन भी आ जाएगा तो भी हम इतने पैसे अर्न कर लेंगे कि हमारा रोजी रोटी चलता रहेगा। ये कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर वर्क करोगे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने आपको शेयर किया, जिससे आपको मोटिवेशन मिले और साथ ही साथ गाइडेंस भी मिला होगा। और ये सारे के सारे जो प्रोफाइल्स मैंने बताए हैं, ये पैसे के अकॉर्डिंग बताया है, वो भी आप जज कर सकते हैं, मतलब स्ट्रक्चर में सबसे बेहतरीन, उसके बाद बीम में, उसके बाद एस्टिमेशन और साइट पर, तो पैसे भी ऐसे ही ग्राफ चलते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी प्रोफाइल के बारे में और डीप चाहिए आपको तो नीचे कमेंट करना, हम आपको बता देंगे। ऑलरेडी हम लोग कैरियर से रिलेटेड बहुत ढेर सारे वीडियोस यूट्यूब पर बता रखे हैं, आप एक एक करके उनको देख सकते हैं। ऐप पर भी मैं अपनी सारी वीडियो डाल रहा हूँ, तो ऐप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसे भी देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।